उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश को सभी योग नगरी के नाम से जानते हैं। योग के साथ ही ऋषिकेश आयुर्वेद के लिए भी प्रसिद्ध है। दूर दराज से लोग यहाँ आयुर्वेदिक उपचार के लिए आते हैं। आयुर्वेद कोई आज की चिकित्सा पद्धति नहीं है, इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। जहाँ एलोपैथी ने इसे पीछे छोड़ दिया है, वहीं वापस से लोग अब आयुर्वेद की ओर जुड़ने लगे हैं। हम आपको ऐसी ही एक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में बताने जा रहे हैं जो कई सारी बीमारियों में लाभदायक साबित होती है। हेलो मैम, माय सेल्फ प्रीति चक्रवर्ती, आई एम द होल इन चार्ज ऑफ द नीरज आयुर्वेदा फाउंडेशन। इट्स अ वेलनेस एंड इट्स अ कैंसर फाउंडेशन ऑल्सो। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम लोग लोगों को एक ज़रूरी संदेश देना चाहें तो वो यही है कि पहले की अपेक्षा और अभी की अपेक्षा में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि अभी लोग बाग एलोपैथी के पीछे ज़्यादा भागते हैं कि एक इंजेक्शन लिया और तुरंत रिलीफ मिल जाता है, वैसे ही हम आयुर्वेद में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं एंड काफ़ी पेशेंट्स जो हैं, काफ़ी गेस्ट जो हैं, वो काफ़ी संतुष्ट होके गए हैं यहाँ से। एंड हमारा मेन मोटिव जो है वो ये दर्शाना है कि आयुर्वेद किसी मामले में कम नहीं है विद इन एलोपैथिक ट्रीटमेंट। आमतौर पे जो चीज़ें देखी जाती हैं, जो महसूस की जाती हैं विद इन नॉर्मल लोगों में, वो सबसे ज़्यादा फ़ोन को लेके होती है। माइंड से इतने ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं एंड प्रेशराइज होता है माइंड पे, जिसके लिए हम लोग आयुर्वेद में काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग पंचकर्म करते हैं, पंचकर्म में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी विधियाँ होती हैं जो कि रिलैक्सेशन के काम में आती है। पंचकर्मा आखिर क्या है? पंचकर्मा पांच चीज़ों से मिलके बना हुआ है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि हाथों में पांच उंगलियां होती हैं, वैसे ही शरीर में हमारी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि रोग मुक्त किया जाता है पंचकर्म। रोग मुक्त एक्चुअल में क्या होती हैं चीज़ें, जैसे कि हमारे शरीर में काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। शरीर में अगर समानता है, असमानता भी उतनी ही है। जैसे कि अगर हम पंचकर्म की बात करें, पंचकर्म में जो चीज़ें होती हैं, वो जो चीज़ें मेन होती हैं वो होती है वमन, जैसे कि हम लोग करते हैं विचेरण, वस्ति, नस्य और रक्त मोशन। ये पांच चीज़ें मिलके बनाई जाती हैं, जिसमें कि हर एक चीज़ कारगर सिद्ध साबित होती है। सबसे इसका अगर हम लोग सरल उत्तम उपाय ढूंढें तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्रेन पे स्ट्रेस होता है हमारे। तो ब्रेन, हमारे शरीर में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो शरीर से उत्पन्न होती है, जहाँ से स्टार्ट होते हैं शरीर के हर एक भाग, वहाँ से ब्रेन की उत्पत्ति होती है। जहाँ पे हम लोग अगर कहें कि चीज़ों को निकासी अगर करवानी हो तो उसी के द्वारा की जाती है। शरीर में रक्त की आवाजाही हो गई, अगर ब्रेन सर्कुलेशन नहीं है तो कोई भी चीज़ें मुक्त नहीं हो सकती। इसी चीज़ से हम लोगों ने भी इसी चीज़ में जुड़ना ज़्यादा पसंद किया है कि आयुर्वेद में कि उस चीज़ को एग्जैक्टली हम लोग किस तरीके से चेंज कर सकते। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया, लोकल 18 के लिए।